स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर मैडम राइड्स द बस का पार्ट टू। पार्ट वन पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट वन का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन्स मिलती रहेंगी। और साथ में ही हमने इंग्लिश का क्लास टेंथ का मॉडल पेपर जो है उसका पूरा सोल्यूशन करवा दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। सो एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है, बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो को और पढ़ते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. अब एक फाइन स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून यानी दोपहर का टाइम था। जो बस थी वो बस गांव को छोड़कर के जाने ही वाली थी और जो मेन हाईवे है उसकी ओर मुड़ने वाली थी। तभी एक छोटी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है जो चिल्ला रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली। और एक छोटा सा हाथ था वो उठा हुआ था और बस को वो कमांड दे रहा था रुकने के लिए। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, अब बस जो है वो धीमे हो जाती है बिल्कुल। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, ठीक है, तो बिल्कुल धीमे धीमे से स्लो होने लगती है, रेंगने से लगती है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और जो कंडक्टर होता है वो दरवाजे से अपने हेड को बाहर निकालता है। सेट हरी देन, कहता है जल्दी करो, टेल वू एवर इट इज टू कैम क्विकली, जो कोई भी है जल्दी से बस के अंदर आ जाए। इट्स मी, शाउटेड वली, वली कहती है मैं हूँ, आई एम द वन वू हैज टू गेट ऑन, मुझे जाना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, तब तक बस पूरी तरह से रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेट, ओ रियली यू डोंट से सो, कंडक्टर कहता है कि क्या सचमुच तुमको जाना है, लगता तो नहीं है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, तो वली कहती है कि हाँ मुझे बस टाउन तक जाना है। सेड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी वो बस के बाहर खड़ी थी। एंड हेयर इज माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसके बाद वो कंडक्टर को कुछ पैसे दिखाती है और कहती है ये देखो मेरे पैसे हैं टिकट के। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, तो कंडक्टर बोलता है ठीक है ठीक है, पहले तो तुमको बस में अंदर आ जाना चाहिए। सेट द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, अब कंडक्टर अपने हाथ को बढ़ाता है उसकी मदद करने के लिए ताकि वो बस में अच्छे से चढ़ सके। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। अब वली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से आ जाऊँगी, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग मतलब काफ़ी मजाकिया नेचर का था, जो कंडक्टर था वो काफ़ी जोकिंग नेचर का था, उसको मजाक करने में बड़ा अच्छा लगता था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, तो कंडक्टर बोलता है अरे मुझसे गुस्सा मत हो मैडम। ही सेट हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम। अब कंडक्टर उससे कहता है ये आपकी आगे सीट है, आप वहाँ पे जाकर के बैठ सकती हैं, और सबसे कहता है कि सभी लोग जगह दीजिए, रास्ता खाली करिए, मैडम निकल रही हैं। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ अ डे, स्लैक टाइम मीन्स खाली टाइम था, इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो ये फ्री टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस पर केवल 6 or 7 पैसेंजर्स ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सभी वली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ मिल करके उसके ऊपर हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, वली उस थोड़ा सा उसको शर्म आ रही थी और वो अपनी शाइनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अवॉइडिंग एवरी वंस आई, सबकी आंखों को अवॉइड कर रही थी। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो जाती है खाली सीट देख करके उस पर बैठ जाती है।
मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? अब कंडक्टर पूछता है कि क्या हम अब बस को स्टार्ट कर सकते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, स्माइल करते हुए पूछता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, फिर उसके बाद वो अपनी सीटी जो लिए रहता है उसको दो बार बजाता है। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर, और बस आगे की ओर बढ़ जाती है रोअर के साथ। मीन्स जब बस स्टार्ट होती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वही वहाँ पर रोअर कह रहे हैं। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड्स। और ये जो बस है ये एक नई बस है, बाहर बहुत ही अच्छी चमकती हुई पेंटिंग हुई है उसके ऊपर, वाइट कलर की पेंट है उसके ऊपर, कुछ ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स पड़ी हुई हैं। इनसाइड ओवरहेड बार्स, और ऊपर जो बार्स लगे हुए हैं हाथ से पकड़ने के लिए जो लगे हुए हैं, सोन लाइक सिल्वर, वो बिल्कुल सिल्वर की तरह चमक रहे हैं। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, वली के सामने, अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, एक ब्यूटीफुल क्लॉक टंगी हुई है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो बस की जो सीट्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और लग्जरियस हैं। वली डिवर्ड एवरीथिंग विद हर आइस, अब वली जो है सारी चीज़ों को अपनी आँखों के साथ देख रही है। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुकिंग आउटसाइड, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर देखने की कोशिश करती है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, तो उसने देखा कि जो विंडो पे जो कांच लगी हुई है तो उस कांच का आधा जो पोर्शन है, जो कैनवास है, वो ब्लाइंड है। इट मीन्स उसमें पेंटेड है और ऊपर का पोर्शन उठा हुआ है। वली छोटी सी है, उसको ऊपर का नहीं दिख रहा है, वो यहाँ बैठी है और उसको यहाँ का पोर्शन दिख रहा है, तो इससे बाहर का व्यू नहीं दिख रहा है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, इसीलिए वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट पर और ये जो ऊपर का पोर्शन होता है यहाँ से बाहर की ओर देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब जो बस है वहीं एक कैनल है, यानी कि नहर है, वहीं से होकर के गुजरने वाली है। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो वहाँ की रोड है वो काफ़ी सकरी है। ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक तरफ तो नहर है, बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और उसके आगे पाम ट्रीज हैं, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, और काफ़ी दूर पे माउंटेन्स हैं, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और चारों तरफ नीला आसमान दिख रहा है। ऑन अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन ग्रीन एज फार एज द आई कुड सी, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हरियाली है, चारों तरफ आपको हरे हरे खेत दिखाई पड़ेंगे, जहाँ तक कि आपकी आंखें देख सकती हैं, जितनी दूर तक वहाँ तक आपको सिर्फ हरे हरे खेत ही दिखाई पड़ेंगे। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, सडनली शी वॉज स्टार्टल बाई अ वॉइस। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। अब वली देख रही है, कह रही है कि सब कुछ कितना सुंदर है, उसे सब कुछ बहुत ही वंडरफुल लग रहा है। अचानक से कोई एक आवाज़ आती है और वो वली से कहती है कि बच्चे देखो इधर, तुम्हें इस तरह से सीट पे खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ, किसी ने वली से कहा। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी वो हैड स्पोकन, अब वो जब बैठ जाती है तो वो देखने लगती है कि किसने उससे कहा। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो कि उसके लिए काफ़ी चिंतित था। बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन वली को उसके इस अटेंशन से काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो वली से इसलिए कहता है कि अगर कहीं ब्रेक लगी तो वो सीट से गिर जाएगी और उसको चोट लग जाएगी, लेकिन वली को उसके इंटरप्ट करने से गुस्सा आता है। एक्चुअल में छोटे बच्चे जो होते हैं, जिनके अंदर बहुत मेच्योरिटी नहीं आई होती है, उनके अंदर ये होता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं आप उनको टोक दीजिए कि ये मत करो, तो वो बैठ तो जाएंगे लेकिन उनके अंदर गुस्सा आ जाएगा, उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि आप कितने कंसर्न हैं, लेकिन उन्हें ये लगेगा कि आप उसको मना कर रहे हैं, तो उसे वो चीज़ बैड फील होती है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। देयर इज़ नो बडी हेयर वो इज़ अ चाइल्ड, शी शैड हाउटली, अब वो गुस्से में आकर के कहती है यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स, मैंने अपने 30 पैसे पे किए हैं जैसे आप सबने किए हैं, सबकी तरह मैंने भी अपना किराया दिया है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अब कंडक्टर फिर यहाँ पे मजाक करता है और कहता है कि अरे सर ये कोई बच्ची नहीं है, ये तो एक बड़ी सी मैडम है,
डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या तुम आपको लगता है कि कोई ऐसी वैसी साधारण लड़की अपना पूरा किराया दे करके अकेली सिटी तक ट्रेवल करेगी? वली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम। अब वली जो है उस कंडक्टर की ओर गुस्से में देखती है और कहती है, मैं कोई मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और ध्यान रखो तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई शैल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर कहता है कि मैं याद रखूँगा, मिमिकिंग हर टोन, और उसकी टोन मतलब उसकी नकल उतारते हुए, जिस तरह से वली बोल रही थी बिल्कुल उसी वॉइस में बोलते हुए उसकी नकल उतार रहा था और उसके ऊपर मिमिक कर रहा था। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंट इन द लाफ्टर, सभी लोग हंस रहे थे, वली भी उस लाफ्टर को ज्वाइन करती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट, अपन कंडक्टर जो है एक टिकट को पंच करता है और वली को दे देता है। टू हर, जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और उसे कहता है कि मैम बैठ जाइए, अपने आप को कम्फर्टेबल करिए। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, और अगर आपने पूरे सीट के पैसे दिए हैं तो आप खड़ी क्यों हैं, तो आप बैठ के चलिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर, अब वो क्या कहती है, क्योंकि मुझे खड़े होना है, मैं चाहती हूँ स्टैंडिंग अप अगेन, और ऐसा कहने के बाद वो फिर से खड़ी हो जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, तो कंडक्टर बोलता है कि अगर आप खड़ी रहेंगी तो जब शार्प टर्न आएगा, कहीं से बस मुड़ेगी, तो वहाँ पे आप गिर सकती हैं और आपको चोट लग सकती है, और हिट्स अ बम, दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, फिर वो बल्ली बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने आपसे पहले ही बताया आई एम नॉट अ चाइल्ड, शी शेड इरिटेबली, अब वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है, काफ़ी उसको गुस्सा आ जाता है। आई एम 8 years old, और बोलती है कि मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माई माई, अब कंडक्टर बोलता है हाँ मैं तो कितना बेवकूफ़ हूँ, आप तो 8 years की हैं। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, अब बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर्स आ जाते हैं। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, थोड़ी देर के लिए कंडक्टर बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन, अब वली को लगता है कि और सारे पैसेंजर्स आ गए हैं, कहीं कोई उसकी सीट ना ले ले, वो फाइनली बैठ जाती है। एन एल्डरली वूमेन कैम टू सेट बिसाइड हर, तभी एक बूढ़ी सी औरत आकर के उसके बगल में बैठती है। आर यू ऑल अलोन डियर, अब वो वली से पूछती है कि क्या आप अकेले हो डियर, सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, अब बस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और वो वूमेन वली से क्वेश्चन पूछती है। वली फाउंड द वूमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, अब वली को वो जो वूमेन है वो बहुत ही अजीब सी लगती है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप टॉलरेट, जिसको आप टॉलरेट ना कर सको, बिल्कुल वैसी ही वो उसको फील होती है। सच अ बिग होल सी हैड इन हर ईयर्स लोब्स, उसके जो ईयर्स हैं, कान हैं, उसमें काफ़ी बड़े बड़े होल्स हो गए हैं, जो उसने अपने कानों में रिंग वगैरह पहन रखी है, ईयर रिंग, और उससे काफ़ी बड़े बड़े से छेद हैं। एंड सच अ अगली ईयर रिंग इन देम, और उसमें जो ईयर रिंग्स है वो काफ़ी अगली सी हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वूमेन वॉज चीविंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, अब वो जो है उसके बगल से, उससे बीटल का मतलब होता है सुपारी, उसके पास से सुपारी की स्मेल आ रही है, वो सुपारी चबा रही है, और साथ में जो सुपारी का उसने स्लाइवा अपने मुंह में भर रखा है, वो ऐसा लगता है कि किसी भी टाइम उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। तो इसको देख करके वली को बहुत ही बेकार फील हो रहा है। आगे देखते हैं। ओह वू कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन, इस तरह के पर्सन के साथ भला कौन घुलमुल के बात करना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, अब वो गुस्से में आकर के आंसर देती है, बोलती है हाँ मैं अकेले ट्रेवल कर रही हूँ और मैंने अपनी टिकट भी ली है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसा टिकट, अब कंडक्टर बोलता है कि हाँ ये तो शहर जा रही है मैडम, और इन्होंने अपनी 30 पैसे की टिकट भी ली है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस,
सैड वली। वली अब कंडक्टर से कहती है, तुम अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देते? बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। और इतना कहने के बाद वो हंसने लगती है, तभी कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? लेकिन जो ओल्ड वुमेन उसके बगल में बैठी है वो अभी अपनी बात को कंटिन्यू करती है और क्या कहती है कि क्या इतनी बड़ी बच्ची को अकेले ट्रेवल करना चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुमको पता भी है एग्जैक्टली कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द स्ट्रीट? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? क्या तुमको घर का नंबर पता है? क्या तुमको स्ट्रीट पता है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेट। वली कहती है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद का ध्यान रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूअर्ड द विंडो एंड स्टीयरिंग आउट। और ऐसा कहने के बाद वो अपने फेस को विंडो की तरफ मोड़ लेती है और फिर से बाहर की ओर देखने लगती है। तो यहाँ तक था हमारा पार्ट टू, और पार्ट थर्ड का जो वीडियो बचा है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ इतने समय तक बने रहने के लिए आप सभी व्यूवर्स का थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।